नमस्कार, आप देख रहे हैं चढ़ती कला टाइम टीवी। मैं हूं नील कमल। देश में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो खास कर बात करें तो चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं संजय टंडन जी, बलराम जी दास टंडन जी के बेटे हैं। बड़ा राजनीतिक अनुभव है इस परिवार का, तो बातचीत करते हैं कि किस तरह से कैंपेन आगे चल रही है और क्या कुछ इनका विजन है चंडीगढ़ को लेकर। सबसे पहले तो स्वागत है टंडन जी आपका चंडीगढ़। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। 400 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में लोकसभा चुनाव को लेकर कैंपेन चला रही है। चंडीगढ़ से आप उम्मीदवार हैं, तो क्या किस तरह से चुनाव प्रचार को लेकर आपने विजन रखा है, किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, मैं तो जिस दिन से घोषणा हुई है उस दिन से तैयारी जो है वो लोगों ने ही मेरे जो कैंपेन की तैयारी कर दी जी। आज लोगों ने ही, मेरे दोस्तों ने, मेरे मित्रों ने, मेरे कार्यकर्ताओं ने वो पूरी कैंपेन चला दी और उसका नाम रख दिया हमारा संजय टंडन जी। और हम लोग जो है, जो मेन हमारा कैंपेन स्टाइल रहेगा वो जो है घर घर जाना, जो हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, डोर टू डोर विजिट एंड हार्ट टू हार्ट कनेक्ट जी, ऐसा हमारा ये प्रोग्राम रहेगा। तो मुकाबला क्या देखते हैं यहाँ पर जो हैं, मुनीश तिवारी चुनावी मैदान में हैं, ज़्यादातर चंडीगढ़ में जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है। देखिए, कोई भी आता है इस चुनाव के लिए तो उस व्यक्ति को, कांग्रेस में से कोई भी आता है चुनाव लड़ने के लिए, हमने कोई व्यक्ति विशेष के हिसाब से तो तैयारी करी नहीं है। हमने तो तैयारी करी है अपनी लकीर लंबी करने की। हमारी लकीर जो है उनके जो है कैंडिडेट से, दोनों से कहीं आगे है जी। तो इसलिए हमारी तरफ से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी किसी को भी कैंडिडेट बनाना चाहती है, वो उनका प्रेरोगेटिव है। हम हर हालत में यहाँ से चुनाव जीतेंगे और हम हर हालत में एक बड़ी जीत लेकर यहाँ से, जो 400 पार का नारा जो मोदी जी ने दिया है, सबसे पहली सीट चंडीगढ़ की उनकी झोली में डालेंगे। संजय जी, चंडीगढ़ को लेकर आपने क्या सोचा था? लोकसभा पहुंचते हैं तो क्या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या ड्रीम है यहाँ पर काम करने के लिए आपका? देखिए, कांग्रेस ने ये इन जगहों को इग्नोर किया है और आप इस चीज़ को देखेंगे कि जो कांग्रेस का स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रहा है वो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस रहा है कि वो अपनी जेब भरने की तरफ काम करते हैं। जो पिछले 10 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस ढंग से सरकार चली कि एक भी व्यक्ति कोई एक बात भी कोई उनकी तरफ उंगली तक नहीं उठा सकता, और ये क्योंकि नेशनल इलेक्शन है, यूनियन गवर्नमेंट आपने चुननी है, उस दृष्टि से देखा जाए तो जो है सारे राष्ट्रीय मुद्दों के आधार के ऊपर चंडीगढ़ में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। नारा 400 पार का आप दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा कि अब की बार ये 150 पार नहीं जाएंगे। कांग्रेस को दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने की बजाय अपने आप पे ध्यान देना चाहिए जी। उनको पूछिए कि आप तो 50 पार के ऊपर भी आपको कोई भी अखबार वाला, कोई सर्वे वाला वो आपको नहीं दे रहा, आप उसकी चिंता करें, अब हमारी चिंता करनी छोड़ दें जी। तो किस तरह से आप यहाँ पर देखते हैं, अगर हम चुनाव मनोरथ पत्र की बात करें, संकल्प पत्र आप लेकर आए हैं, तो मैनिफेस्टो में आप क्या मेन लेकर जा रहे हैं? देखिए, यहाँ चंडीगढ़ के अंदर जो संकल्प पत्र, जो हम अभी तो वो प्लानिंग स्टेज में है क्योंकि अभी चुनाव अभी दूर है, तो हम लोग उसको फाइनलाइज करेंगे। लेकिन मेरे को जो मुख्य एक चंडीगढ़ की समस्या लगती है कि यहाँ से जो ब्यूरोक्रेसी है वो, और जो केंद्र का जो MHA डिपार्टमेंट है, तो ये दोनों लोग आपस में सामने बैठ के कोई महीने में एक बार सब विषयों के ऊपर आमने सामने बैठ के विचार करके एक तरफ का निर्णय कर सकते हैं, वो निर्णय करने की प्रक्रिया को शुरू कराना मेरा सबसे पहला काम होगा जी। क्योंकि जो गवर्नेंस, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। यहाँ से फाइल उधर चली जाती है, वो कोई छोटी सी टिप्पणी लगाते हैं, 3-3 साल डिसीजन नहीं होते हैं। तो मेरा तो ये काम रहेगा कि बीच में बैठ के इन चीज़ों का निर्णय कराया जाए जी। चंडीगढ़ को लेकर एक बात जो आम आदमी पार्टी या
कोलेब्रेशन हुआ है, उन दोनों का गठबंधन हुआ है। चंडीगढ़ को लेकर फ्री पार्किंग और पानी की समस्या को लेकर काफ़ी बात होती है। डड्डू माजरा का जो है वहाँ पर डंपिंग ग्राउंड है, उसको लेकर काफ़ी बातचीत होती है, उसको लेकर क्या आप देखते हैं? देखिए, जो डड्डू माजरा का डंपिंग ग्राउंड है उसके बारे में जो उसकी जो क्लीनिंग है वो ऑलरेडी शुरू हो गई है जी। और वो सारा का सारा जो वेस्ट है उसको प्रोसेस करके वो लगभग 75% काम हो चुका है। मुझे लगता है कि अगले एक दो महीने में वहाँ पर आप फुटबॉल मैदान देखेंगे और आप खेल पाएंगे जी। तो जहाँ तक पानी की बात है, पार्किंग की बात है, देखिए पानी के ऊपर हमने जो एक ये प्रोसेस बनाया था कि जिसमें 24 आवर्स वाटर जो है उसका प्रोविज़न के लिए किया था और 24 आवर्स वाटर देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। हर घर के अंदर नल हो, हर नल में जल हो, ये स्कीम तो केंद्र ने भी शुरू करी, लेकिन चंडीगढ़ में हर घर को नल पहले से ही है, लेकिन उसके अंदर है कि वो कुछ घंटों के लिए आता है, हम उसको 24 घंटे देने की बात हमने रखी है। दूसरा, उसके साथ हमने ये भी कहा है कि जो सोलर के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, वो सोलर की प्रोडक्शन जो है वो अभी हम यूनियन टेरिटरीज के अंदर नंबर वन पे हैं जी। लेकिन हमने ये कहा कि हम इसको पूरे देश के अंदर नंबर वन करेंगे। यहाँ ग्रीन कवर हमारा 9% के करीब ग्रीन कवर बढ़ा, हम इस ग्रीन कवर को जो है इसको और बढ़ाने का प्रयास करेंगे जी। हम शहर को एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एक उसकी ज़रूरत है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है उसको आने वाले 5 साल में उसको भी पूरा करेंगे। मैं ओवरऑल ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले 5 साल एक इस शहर के लिए एक स्वर्णिम अध्याय जो होएगा, जिसको कहते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ चंडीगढ़, वो अगले 5 साल होंगे जी। सर, एक आम आदमी पार्टी वाले एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो पानी के रेट बढ़े हैं वो बीजेपी की प्लानिंग में थे, तो किस तरह से इस बात को आप रखोगे? जिस तरह से आम आदमी पार्टी इस तरह से प्रचार कर रही है कि जो बीजेपी पानी के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो इस वक्त पानी की कीमत बढ़ी है, जो रेट बढ़े हैं वो बीजेपी ने पहले से ही निर्धारित किए थे, वो अब जाके बढ़ाए गए हैं, जबकि वो चाहते हैं कि मुफ्त पानी मिले। देखिए, वो उनका जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस वो टोटली डिफरेंट है। आम आदमी पार्टी एक अनार्की वाली पार्टी है कि भाई हम लोग तो जो है ना चीज़ों को डिफरेंट ढंग से उसको देखते हैं। उनका स्टाइल ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है। जैसे दिल्ली के अंदर जितनी उनकी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा वो खर्चा करते हैं और साथ ही साथ उसको अपना वो लोन लेते जाते हैं। कांग्रेस ने हिमाचल के अंदर यही काम किया। कांग्रेस ने बोल दिया हम लोग 1500 रुपया देंगे, हर महिला को देंगे और हर महीने देंगे। किसी महिला को वो दिया नहीं, लेकिन उसके साथ ही साथ उनका उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो टोटली जो है बैंकरप्ट कर दिया उन्होंने अपना हिमाचल की सरकार को। तो ये चीज़ें ये उन लोगों को देखने वाली हैं कि क्या आप एनआरकी चाहते हो, क्या आप शहर को, देश को एक अच्छा राज्य देना चाहते हो, क्या आप चाहते हो कि उसकी मेंटेनेंस और उसको चीज़ों को चलाने के लिए उनके पास सब सुख सुविधा उनके पास उपलब्ध हो। आज ये विषय है जी। तो एक विषय है, किसान लगातार सवाल पूछ रहे हैं आपको लेकर, उसको लेकर आप क्या समझते हैं? किस चीज़ का किसान सवाल कर रहे हैं कि पक्ष और विपक्ष दोनों से? उन्होंने कहा कि हम सवाल पूछेंगे जहां भी जाते हैं कि हमें MSP नहीं मिली या कानूनी गारंटी नहीं मिली, उसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ पक्ष को नहीं बल्कि विपक्ष को भी वो सवाल करेंगे। जितना जो MSP का क्लैरिटी जो है वो मोदी जी के राज में हुई है वो आज तक नहीं हुई है। आज आपने देखा होगा कि वो इन टोटेलिटी जो है, और ये 3 बार वहाँ से हमारे मंत्री लोग आए, ये जो लोग बैठे हुए थे, जो किसान साथी बैठे हुए थे, उनके साथ आमने सामने बैठकर 3 बार बातचीत करी गई जी। सो अब चंडीगढ़ के चुनाव को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे?
मैं चंडीगढ़ की जनता को अपील करना चाहता हूं कि चंडीगढ़ का स्वर्णिम अध्याय शुरू होने वाला है और आप इसके अंदर भागीदारी लें और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के हाथों को मजबूत करें और हम चंडीगढ़ के जो पेंडिंग इश्यूज़ हैं उनको भी सॉल्व जल्द से जल्द करेंगे और ये 5 सालों के अंदर हम चंडीगढ़ को एक ऐतिहासिक ग्रोथ की तरफ लेकर जाएंगे।